अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और रुशान की तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हो गई है और आज वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। और आज उसको नाश्ते में चाहिए साबुदाना खिचड़ी। उसको साबुदाना खिचड़ी में कड़ी पत्ता, कोथमीर ये सब नहीं चाहिए रहता है। और जब से बीमार होकर अच्छा हुआ है तब से वो रोटी नहीं खा रहा है नाश्ते में, तो उसको आज दे रहे हैं साबुदाना खिचड़ी। रुशान सलाम। वालेकुम सलाम। अभी अच्छे हो गए ना आप माशाल्लाह? हाँ। करो नाश्ता। चाय अभी लाओ के बाद में लाओ। आज रुशान के दो पेपर्स हैं। कौन कौन से पेपर्स हैं? मैथ्स ओरल और मराठी रिटर्न। आज रुशान के दो पेपर्स लेंगे। ऐसा टाइम टेबल के हिसाब से उसका मैथ्स ओरल है लेकिन टीचर उसका मराठी रिटर्न भी लेने वाले हैं आज। तो रुशान अभी नाश्ता कर रहे हैं टीवी देखते देखते। रुशान को इस साल रोज़े रखना था बट रुशान के पहले रोज़े से ही तबीयत ख़राब हो गई है ना, और अभी वीकनेस इतनी हो गई कि अभी रोज़े भी नहीं रखवा सकते। और अभी 7 ईयर्स का है, इंशाल्लाह देखेंगे बड़े रोज़े रखवाऊँगी नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर। अभी रुशान, जिस जिसने आपकी सेहत के लिए दुआ की उनको थैंक्स तो बोलो। थैंक यू दुआ करने के लिए। रब्बी जिदनी, इल्मन नाफिया, और रब्बी जिदनी, इल्मन नाफिया। क्यों लिफ्ट सता रही? बंद हो जा रही शायद वापस। कुछ नहीं कुछ नहीं, जाएगी रुको। तो रुशान डर गए थे, रुशान को लगा वापस लिफ्ट बंद हो रही है लेकिन अभी लिफ्ट चालू हो गई। डर गए थे? हाँ। कुछ भी नहीं होता बेटा, अगर बंद भी पड़ी तो ये है ना सायरन। हाँ रुको रुको सारा, रुकने दो, डरो मत। तो अभी आए हैं रुशान को स्टॉप पर छोड़ने के लिए। आए नहीं ना अंकल, कॉल तो आया था उनका। चलो। हाँ हाँ ना, क्या हुआ और खुल गई लेस? लाओ बांधो। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं लिफ्ट में अटक गई हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं 11:20 और आज मैं सुबह फजर के बाद से बिल्कुल भी, सहर के बाद से बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के फिर रुशान के स्कूल की तैयारी करनी थी तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो अब मैं सोऊंगी, फिर उसके बाद जोहर में उठूंगी इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रमज़ान स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ समोसा रोल। इसकी स्टफ़िंग और इसका टेस्ट टोटल समोसे के जैसा ही होता है बट इसका बनाने का तरीक़ा समोसे से बिल्कुल अलग है। और समोसा बनाने में हमको जितना टाइम लगता है उससे आधा भी टाइम इसमें नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने बनाए थे तो सबको पसंद आए थे, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो समोसा रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले मैदे का डो बना के रख लेना है। मैदा मैंने यहाँ पर गूंदी हूँ, जैसे नॉर्मल समोसे के लिए मैदा गूंदते हैं उसी तरह से हमने गूंदना है। फिर भी मैं शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। मैदे में अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल करके हमने इसका डो तैयार कर लेना है। एकदम हार्ड डो बनाना है हमने, सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो डो बनाने के बाद बारी आती है स्टफिंग की। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के पोटैटोस को बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है और उसको फोक की मदद से हमने इस तरह से मैश करना है। समोसे की स्टफिंग और रोल की स्टफिंग में मेन डिफरेंस ये है कि समोसे की स्टफिंग में पोटैटोस के बड़े बड़े पीसेस भी चल जाते हैं बट रोल की स्टफिंग में हमने पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसके पीसेस नहीं रहना चाहिए बड़े बड़े। अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे हम और फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। और ग्रीन चिलीज़ फाइनल चॉप करके ऐड करेंगे, इसमें अगर ग्रीन चिली पेस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1/2 मुट्ठी हरा धनिया बारीक चॉप करके वो ऐड किया है। उसके बाद अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स
रेड चिली फ्लेक्स, और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ एज़ यूजुअल, मैंने आपको बताया है पहले भी। इसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पून की मदद से अगर मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, इसके लिए हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक डो बना लेना है। जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह से हमने इसका डो बना के रख लेना है। अब डो हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है, और अब हम चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस पर। स्टफिंग बनने तक हमारा मैदे का डो भी सेट हो गया है। तो मैक्सिमम दो रोटी बनाने के लिए जितनी लोई लगती है उतनी बड़ी एक लोई लेकर हमने इसको इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बेल लेना है। इतना बड़ा पोल पार्ट मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने इसको परात के ऊपर बेल लिया है, और थिकनेस हमने उसकी उतनी ही रखना है जितनी कि हम समोसे के लिए रखते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को हम हाथों की मदद से ही स्प्रेड करेंगे, बिकॉज़ स्पून की मदद से इतनी अच्छी तरह से ये स्प्रेड नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसको हाथों की मदद से पहले पूरी स्टफिंग अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग को मैंने रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला लिया है, और इसके साइड के जो कॉर्नर जिस तरह वीडियो में दिख रहे हैं, एक एक इंच के कॉर्नर्स को हमने छोड़ते हुए स्टफिंग को स्प्रेड करना है। फिर जैसे हम समोसे के लिए आटे या मैदे में पानी डाल करके घोल तैयार कर लेते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी हमने घोल बना लेना है। और फिर इस घोल को या इस लाई को लेकर के हमने इसके पूरे जो साइड के कॉर्नर्स जो हमने एक एक इंच के कॉर्नर्स छोड़े थे, उन कॉर्नर्स पे हमने इसको लगा लेना है अच्छी तरह से। पूरे कॉर्नर्स में हम इसको लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको ब्रश की मदद से भी साइड्स पर लगा सकते हैं, बट जितनी अच्छे से ये उंगली से लगता है उतनी अच्छे से ये ब्रश से नहीं लग पाता, इसलिए मैंने इसको उंगली से चारों तरफ से पूरा घोल इस पर लगा लिया है। और इसके बाद हमने इसको धीरे धीरे से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से हमने इसको फोल्ड करते जाना है, और साइड के जो कॉर्नर्स है उनको अच्छी तरह से पेस्ट करते हुए हमने इसको रोल करना है, और रोल करते करते फिर हमने इसको पूरा बंद कर देना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं एक हाथ से स्लो स्लो इसको रोल कर रही हूँ, वरना ये दोनों हाथों से बहुत जल्दी इजीली रोल हो जाता है। उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको ऐसे रोल करना है, इससे इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी अंदर जो स्टफिंग है वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, और जो कॉर्नर्स पे हमने इसका घोल लगाया था आटे का वो भी इस पर अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से रोल करने के बाद चलते हैं कट करने के प्रोसेस पे। यहाँ पर मैंने एक तेज़ धार वाली नाइफ़ ली है, और उसकी मदद से मैं इसको सेंटर कट कर रही हूँ। एकदम हल्के हाथों से हमने इसको कट करना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से। सेंटर कट करने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, और फिर हमको जो इसके पीसेस करने हैं वो इक्वल साइज़ के पीसेस होंगे, इसलिए हम इसको सबसे पहले सेंटर कट करेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसको तीन पीसेस में कट किया है। तो इन रोल्स को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। तो मैंने यहाँ पर एक रोल में तीन पीसेस, दूसरे रोल में तीन पीसेस, इस तरह से टोटल एक पूरी रोटी में मेरे पास 6 समोसा रोल्स बनके रेडी हो गए हैं। अब हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। फोक की मदद से भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अलावा जो टिक्का बनाने की स्टिक्स आती है उससे भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टिक्का वाली स्टिक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास ये टूथपिक थी, तो मैंने इस तरह से दो टूथपिक मिलाकर इसको डिज़ाइन करके आपको दिखाया है। इस तरह से हमने सेंटर में टूथपिक रख करके इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है। मैं फिर से यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करके फिर टूथपिक निकाल देना है, तो इसके जो साइड के कॉर्नर्स है वो इस तरह से उभर कर इसका डिज़ाइन बन कर के आता है। इस तरह से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बचे हुए आटे और बचे हुए स्टफिंग के बाकी के रोल्स बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पूरे समोसा रोल्स बनके हो गए हैं रेडी, और मैंने
सिर्फ दो तीन को ही इस तरह से डिज़ाइन किया है, बाकी मैं ऐसे ही रख रही हूँ बिकॉज रुशान और हमदान बोल रहे हैं कि मम्मा इसको ऐसे ही रखो, ये ऐसे ही अच्छे लग रहे, तो फिर मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, तेल को हमको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं उस तरह से ही हमने तेल को गरम करना है। ये तेल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया है, एकदम हल्का गुनगुना जब तेल रहेगा जब भी हमने ये रोल इसमें छोड़ देने हैं और इसको स्लो गैस पर हम फ्राई करेंगे। ऑयल में ये सब रोल छोड़ने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक हम टच नहीं करेंगे, उसके बाद फिर इसको उल्टी पल्टी करके गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इन रोल्स को ऑयल में डाले हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको इस तरह से उल्टी पल्टी करके, जिस तरह से हमने समोसे ब्राउन करते हैं ना, उसी तरह से इसको ब्राउन कर लेना है। और मुझे टाइम बहुत हो रहा था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ही रोल्स इसमें डाल दी हूँ एक साथ, आप ऐसी गलती मत करिए। तो ये रोल यहाँ बनकर हो गए हैं रेडी। इसको ऐसे फ्राई करना है जैसे समोसे को हम जितना ब्राउन करते हैं उतना ही इसको गोल्डन करके फ्राई करना है। तो एक बैच रोल का मेरा फ्राई होके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी स्टफिंग थोड़ी भी बाहर नहीं आई है। अभी दूसरा बैच इसमें मैंने डाली हूँ, उसको भी मैं फ्राई करके ले लेती हूँ। सो फाइनली हमारे यम्मी टेस्टी डिलीशियस समोसा रोल्स बन करके हो गए हैं रेडी। इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी या पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, मैं आपको बता रही हूँ बहुत टेस्टी बने थे, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें। तो ये थी हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और रमज़ान की मसरूफियात की वजह से मेरा व्लॉग 2-3 दिन में एक बार ही आ रहा है। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।